क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसको पहले सिंपल लीनियर क्वेश्चन में रिड्यूस करना है इसको। उसके लिए क्या करेंगे, 2 अपॉन रूट एक्स है, 3 अपॉन रूट वाई है, अपॉन में है, तो इससे पहले हमने क्या था, अपॉन वाले को हम कुछ अदर वेरिएबल पुट कर लेते हैं ताकि इक्वेशन सिंपल इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ करेंगे लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू ए, सेम 1 बाई रूट वाई इक्वल टू बी पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगी इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, 1 बाई रूट एक्स, 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स, ये मतलब हुआ इसका। तो 1 बाई रूट एक्स होल की जगह क्या कर देंगे हम, ए पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 2 ए। तो यहाँ आ जाएगा 2 ए प्लस 3 बी हो जाएगा इक्वल टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन 4 ए माइनस 9 बी इक्वल टू माइनस 1। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं इसको, एक को इक्वल करना होता है 4 ए या 4 ए, 4 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीफाई कर देंगे होल को, तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 ए प्लस 3 टू जो 6 बी इक्वल टू 4। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि सेम साइन है, तो 4 ए माइनस 9 बी इक्वल टू माइनस 1, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कैंसिल, दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 बी, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगा 5 अपॉन 15, 5 बन जाए 5, 5 3 जाए 15, बी आ गया 1 अपॉन 3। अब 1 अपॉन 3 को इन दोनों से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट करते हैं 2 ए प्लस 3, बी की जगह 1 बाई 3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 ए इक्वल टू 2 माइनस 1, ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए इक्वल टू 1, यही वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई, बी की वैल्यू 1 अपॉन 3 आई, और हमने 1 बाई रूट एक्स को ए लिया था और 1 बाई रूट वाई को बी पुट किया था, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, जो 1 बाई रूट एक्स है इक्वल टू ए की जगह क्या कर देंगे 1 बाई 2, क्योंकि ए की जगह 1 बाई 2 था, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, रूट एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 4, तो एक्स वैल्यू 4 आ गई, y में भी सेम 1 बाई रूट वाई इक्वल टू 1 बाई 3 कर देंगे क्योंकि b की वैल्यू 1 बाई 3 थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा रूट वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा रूट से स्क्वायर कैंसिल, y इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, तो y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई।